हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन सितारों में से एक हैं जो अपनी अदाकारी से हर किसी को हैरान कर देती हैं। बड़े से बड़ा एक्टर भी उनकी एक्टिंग का कायल है। यही वजह है कि उन्हें सबसे अच्छे कलाकारों में से एक माना जाता है। नवाज का मानना है कि हर वो एक्टर सफल होता है जिसके पास अपनी खुद की अलग स्टाइलिंग होती है। अगर नए एक्टर सुपरस्टार्स को कॉपी करेंगे तो उन्हें दर्शक कभी पसंद नहीं करेंगे। इसी के साथ नवाज ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स की एक्टिंग को भी फेक बता दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नवाज ने कहा, मैं अपने अनुभव से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको अपनी स्टाइल नहीं छोड़नी चाहिए। ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं ये फेक एक्टिंग करते हैं, इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मैं आपकी ओरिजिनल एक्टिंग देखना चाहता हूं। अगर आप किसी सुपरस्टार की तरह एक्टिंग करेंगे तो मैं आपको क्यों देखूंगा। अगर आपने कुछ अच्छा, दिलचस्प और ओरिजिनल दिखाया तो मैं उसे देखना चाहूंगा। नवाज ने इस दौरान ये भी कहा कि अब सुपरस्टार्स भी ओटीटी का रुख इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी फिल्में रिलीज ही नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा, शुरू में केवल अच्छे काम और जुनून के लिए ओटीटी पर लोग जा रहे थे, मगर अब लॉकडाउन है और फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पा रही है तो बड़े स्टार्स ओटीटी पर आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म सुपरस्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए थे। बता दें, नवाज ने अपनी बात रखते हुए किसी सुपरस्टार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब उनकी ये बातें कई बड़े सुपरस्टार्स को बुरी लग सकती हैं, जिनमें सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स शामिल हैं। अजय और अक्षय की फिल्में तो ओटीटी पर रिलीज भी हो रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि नवाज की इन बातों पर ये स्टार्स कैसे रिएक्ट करते हैं। बताते चलें, हाल ही में नवाज ने म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया है। वो बी प्राक के नए गाने बारिश की जाए में नजर आए थे, जिसे काफी पसंद किया गया। अब तक करोड़ों में इसको व्यूज मिल चुके हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।